हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट विज्ञापन के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट के बारे में कि किस माह में इसके जो एग्ज़ाम हैं वो हो सकते हैं, बीएड डीएलएड अपेयरिंग वालों को कहाँ पे मौका मिलने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि पहले वैकेंसी आएगी या पहले यूपी टेट होगा या पहले यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, कौन क्या पहले होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो शिक्षक भर्ती की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी शिक्षक भर्ती की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे ये आज की अपडेट है कि इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो सकेगी नई भर्ती। यहाँ पे मैं पूरा रीड करता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए जो है नई नियमावली तैयार करने की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है। दो हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है, ठीक है। यानी कि अब जो कार्य है शिक्षक भर्ती का, चाहे कोई भी उत्तर प्रदेश में जो रिक्त पद हैं, कोई भी विभाग हो, उनके जो कार्य हैं बहुत तेज़ी से अब हो रहे हैं, ठीक है। दबाव हर विभाग में गया है, ठीक है, शासन की तरफ से। यहाँ पे देखेंगे इसके बाद जो है जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए जो है विज्ञापन जारी करेगा। दो शिक्षक भर्तियाँ दो वर्षों से जो है लंबित पड़ी हैं। इनमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर और अशासकीय महाविद्यालयों में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर जो है भर्ती शामिल है। अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है। देखिए यहाँ पे देखिए, जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम होना बाकी है, पीजीटी का एग्ज़ाम होना बाकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होना बाकी है, इनके जो एग्ज़ाम होंगे पुरानी नियमावली के तहत ही एग्ज़ाम होंगे। आने वाली जो नई शिक्षक भर्तियाँ होंगी उनके लिए जो नई नियमावली है तैयार हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो वैकेंसी है आएगी, ठीक है, नए रूल्स रेगुलेशन बनेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर सेवा चयन आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएँ पूरी होनी है, इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कुछ दिनों तक पहले जो है लखनऊ में जो है सीएम ने उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव भी है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेंगी। आयोग ने बीते नियमावली यहाँ पर देखेंगे आप लोग बनाने के लिए कमेटी का जो है गठन किया था और कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी दो सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप सकती है। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मुहर जो है लगाई जा सकती है, फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रसिद्ध की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर सकेगा जो है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो है आवेदन कर चुके तकरीबन 1.4 लाख अभ्यर्थियों और टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन करने वाले 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से भर्ती की परीक्षा तिथि जो है घोषित करने का इंतजार है। सबसे पहले तो इसमें 2 हफ्ते का अभी जो है समय लग जाएगा नई नियमावली में, उसके बाद शासन से जो है प्रस्ताव मिलेगा, उसके बाद आयोग जो है भर्तियों को जो कार्य है शुरू करेगा। और जो अध्यक्ष की नियुक्ति होना बाकी है, अध्यक्ष की नियुक्ति भी जून में ही हो जाएगी। संभावना यही है कि जून में अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी नए आयोग के, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले जो कार्य होगा इसमें टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। अब ये मान लीजिए कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आपका, ये एग्ज़ाम 2024 में हर हाल आपके होंगे, हर हाल में आपके एग्ज़ाम ये होंगे, ठीक है। अभी फिक्स नहीं हो पा रहा है कि किस मंथ में होगा, अभी भी थोड़ा सा और इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है, इतने भी जल्दी में आपके एग्ज़ाम जो हैं नहीं होंगे। फिर भी यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा यूपी टेट के बारे में, तो सबसे पहले इसमें जो आएगा यूपी टेट का विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसके बाद ही चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, जूनियर शिक्षक भर्ती हो, जूनियर की भी वैकेंसी अभी पेंडिंग में है जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो सबसे पहले इसमें जो आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा यूपी टेट का विज्ञापन। अच्छा, यूपी टेट का विज्ञापन कब तक जारी किया जा सकता है, ये मान के चलिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका जो यूपी टेट का विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपका यूपी टेट नहीं क्वालिफाई है तो यूपी टेट की तैयारी में आप लोग लग जाइए। सी टेट का फॉर्म फिल की हो तो सी टेट ही क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना।
वैकेंसी तुरंत आएगी, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, तुरंत सवा महीने का समय भी नहीं दिया गया था, उसी तरह इसका एग्ज़ाम भी होगा आने वाली नई शिक्षक भर्ती का। ठीक है, तो सी टेट भरे हो, अगर आपका कुछ भी जो है नहीं क्वालिफाई है यूपी टेट सी टेट, तो आप लग जाओ सी टेट में ही, अगर नहीं है तो आप यूपी टेट में अभी से लग जाओ। दोनों को लेकर चलो आप लोग, हर सब्जेक्ट को अच्छे से मजबूत कर लीजिए। मेन सब्जेक्ट आपके जैसे मैथ हो गया, जीके जीएस हो गया, आपका लैंग्वेज पोर्शन हो गया, इनको अच्छे से पकड़ बना लीजिए इसमें, इन सब्जेक्ट में, क्योंकि समय आपको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि चुनाव भी उधर नज़दीक है। तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम मान के चलिए कि आपका जो है अक्टूबर नवंबर तक आप मान के चलिए कि आपके जो एग्ज़ाम है वो होंगे। ठीक है, इससे पहले तो नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी 1 से 1.5 माह तो इसमें लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीएड डीएलएड अपेयरिंग वालों के लिए मौका क्या है, तो आप जो है जैसे बीएड कर रहे हो डीएलएड कर रहे हो, तो आप जो है यूपी टेट का जो है फॉर्म भर सकते हो। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका जो मार्कशीट रहेगा यूपी टेट का वो वैलिड भी रहेगा। आपका कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, या फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तो आप एलिजिबल हो यूपी टेट के लिए, तो आप तैयारी में जुट जाओ। और जिनका ऑलरेडी बीएड बीटीसी हो चुका है, तो वो भाई अगर नहीं क्वालिफाई की हो तो उसमें लग जाओ, अगर क्वालिफाई है तो आप जो है सुपर टेट की तैयारी में लग जाओ। पीआरटी में केवल डीएलएड वाले ही इलिजिबल रहेंगे, तो वो स्पेशल लग जाओ, क्योंकि समय आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ये 6 माह आप लोगों के लिए जो है बहुत ही गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसके बाद भर्ती भी भूल जाना। और भर्ती मैं कह रहा हूँ 100% आएगी, 100% आएगी, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो आपकी, चाहे प्राथमिक की हो, चाहे आपकी जूनियर की हो। ठीक है, और भी वैकेंसी आ सकती हैं, जैसे एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ सकती हैं 1.5 से 2 महीनों के अंदर, इसकी भी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लग जाओ। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी जो भी यूपी टेट यूपी टीजीटी पीजी एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट के बारे में अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।